मिड कैप फंड के साथ यही प्रॉब्लम रहता है कि जैसे जैसे फंड का साइज बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसा फंड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो मैं खुद, मेरा जो छोटा 2 साल का कुंवर साहब है, उसके लिए भी मैं निवेश करूंगा आज आपके सामने। इसके साथ साथ फंड का जो एनालिसिस बेसिक होता है, एक्सपेंस रेशियो, ये सब तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ आपका एज अनुसार, गोल के अनुसार पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड का परसेंटेज ऑफ एलोकेशन कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंड के नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 फंड। ये फंड जो है ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है, जहां पे 150 स्टॉक्स का एक बास्केट है मिड कैप का, जिसका इंडेक्स का नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। ये फंड, ये जो इंडेक्स है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो फंड है वो 2021 में ही लॉन्च हुआ है, 17 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है, तो ज्यादा उम्र इसका नहीं हुआ है। लेकिन इंडेक्स फंड जाना जाता है अपना जो इंडेक्स है उसका रिटर्न कैसा है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही नॉमिनल है, 0.2%। फंड का अगर रिटर्न के बारे में देखेंगे तो देखिए, इंडेक्स फंड का जो रिटर्न रहता है वो अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली निफ्टी 150 इंडेक्स का, तो आप देखेंगे अगर हम 5 साल या 7 साल का अगर एक एवरेज लेते हैं, 7 ईयर्स में एनुअलाइज्ड रिटर्न ये दिया है आपका 18% के आसपास, 18.5 आप पकड़ के चल सकते हैं। तो ऐसा अगर आपका 7 ईयर्स में रिटर्न एनुअलाइज्ड है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया इस फंड को और ये इंडेक्स को कहा जा सकता है। फंड का एग्जिट लोड 0 है, फंड का जो करंट एसेट साइज है वो 153 करोड़ के आसपास है, लेकिन देखिए ये मायना नहीं रखता है इंडेक्स फंड के लिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो इंडेक्स में कंपोनेंट रहता है शेयर्स का, उसका ही सेम प्रोपोर्शन वो लोग उठाते हैं, तो उसमें ज्यादा फंड साइज ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन एक्टिव फंड में देखा गया है, आप लोग बहुत सारे लोग HDFC मिड कैप फंड को रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बढ़िया फंड था, उसका NFO में मैं खुद भी निवेश किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसका जो फंड साइज है वो बढ़ता गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आते रहे वहां पे, जैसे अभी हो रहा है एक्सिस मिड कैप फंड के लिए। एक्सिस मिड कैप फंड में एक्टिवली मैनेज बहुत ही अच्छा फंड है, आज भी वो निवेश का योग्य है। लेकिन मैं जब अपने कुंवर साहब के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब मैं 18 इयर्स 20 इयर्स का एक गोल लेके चल रहा हूं कि अपना जो चाइल्ड है उसका एडुकेशन, उसका मैरिज, ये सब के बारे में सोच के अगर आप ले रहे हैं कोई फंड, तो आपको देखना है 18-20 इयर्स में ऐसा फंड चूज करना है जिसको आप ज्यादा डे टू डे बेसिस में ज्यादा देखना भी नहीं है और वो आपको एक एवरेज रिटर्न भी दे, ऐसा आपको देखना है। अभी आ जाते हैं पोर्टफोलियो में कंपोनेंट्स क्या है, स्टॉक्स क्या है ये इंडेक्स में आज के डेट में। देखिए आज के डेट में बहुत ही अच्छा स्टॉक्स इसमें है, जैसे कि लॉरस लैब हो गया, आपका PI इंडस्ट्रीज हो गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, आपका वोल्टास है उसमें, SRF, अशोक लेलैंड, ऐसा दिग्गज कंपनी जो अभी मिड कैप सेगमेंट में है लेकिन आगे जाके वो अच्छा काम कर सकता है, वैसा वैसा स्टॉक्स इसमें है। एक चीज अच्छा है कि कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए, उसका जो नेट कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में वो 2% का नीचे है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का वेटेज है वो 1.8% का है। तो एक स्टॉक अगर ज्यादा गिर भी जाए या ज्यादा बढ़ भी जाए, उसके हिसाब से इंडेक्स में या फंड में वोलेटिलिटी रहने का चांस कम से कम है। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा था कि एक्टिवली मैनेज मिड कैप सेगमेंट में जो फंड है और उसके साथ ये इंडेक्स जो फंड है उसका क्या है, या इंडेक्स जो ओरिजिनल इंडेक्स है उसका रिटर्न का क्या कोरिलेशन है, या कैसे वो आउट परफॉर्म कैसे अंडर परफॉर्म करते हैं। तो देखिए आज का दिन में जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड में बहुत अच्छा मिड कैप सेगमेंट में फंड है, जैसे कि DSP का है, एक्सिस का मिड कैप है, कोटेक का इमर्जिंग फंड जो है वो भी अच्छा फंड है इस कैटेगरी में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, जैसे कि 1 साल 2 साल या 3 साल, उसमें देखेंगे कि इंडेक्स जो है मिड कैप इंडेक्स जो है निफ्टी का,
वो आपका मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं, 3 ईयर्स में आपका 18% रिटर्न दिया है, हालांकि एक्सिस मिड कैप ने 22% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो यहां पे 3-4% का आपका आउट परफॉर्म दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप ज्यादा लॉन्ग टर्म में जाएंगे, जैसे कि 7 साल 7 ईयर्स 10 ईयर्स वो रेंज में जाएंगे, 7 ईयर्स का मैं एक डेटा देता हूं, 7 ईयर्स में एक्सिस मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो था 19.8% का, निफ्टी 150 इंडेक्स का रिटर्न जो है वो है 18.8%, तो लगभग 1% के आसपास आपका जो है वो ही आपका रेशियो या अंडर परफॉर्मेंस रह जाता है। तो जितना लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे उतना ही एक्टिव फंड के साथ इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो कम होते जाता है, ये मैंने अमूमन देखा है, ठीक है, ये देखा है। तो इस बेसिस में अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जरूर इंडेक्स फंड को चूज कीजिए। इसमें क्या होगा, मिड कैप सेगमेंट में मैं बोल रहा हूं, लार्ज या जो बड़े कैटेगरी है उसमें थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होता है, मैं अलग सा वीडियो बना के बोल दूंगा आपको, लेकिन इसमें आप लोगों का थोड़ा सा सुकून रहता है कि मुझे डे टू डे बेसिस में या हर 6 महीने में उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना पड़ेगा, उतना ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर मुझे इंडिया का इकोनॉमी में भरोसा है, लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ करेगा, इसका ग्रोथ स्टोरी में मुझे बिलीव है, तो हमारा इंडेक्स भी बढ़ेगा और उस हिसाब से मेरा फंड भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं आपका उम्र और आपका गोल अनुसार कितना पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना चाहिए मिड कैप कैटेगरी में। तो देखिए, अगर आप लोग नए नौकरी ज्वाइन किए हैं या आपका फैमिली नया स्टार्ट हुआ है, आप अपना किड्स के लिए, बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म उसका एडुकेशन या मैरिज उसके बारे में सोच रहे हैं, जो गोल आपका 18, 20, 25 ईयर्स का है, मान लीजिए जो लोग आप नौकरी में ज्वाइन किए हैं उन लोगों का गोल थोड़ा सा 30 इयर्स बाद आपका रिटायरमेंट का हो सकता है, ये सब जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए आप एक अच्छा सा मिड कैप फंड को जरूर अपना पोर्टफोलियो में रखिए। जो लोग मान लीजिए नियर अबाउट आपका रिटायरमेंट का एज में आ चुके हैं, वो लोग परसेंटेज तो रखिए अपना मिड कैप फंड में, लेकिन बहुत ही कम रखिएगा। उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मेरा चैनल में है, आप देख सकते हैं। अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20-30% आप मिड कैप में आराम से दे सकते हैं, क्योंकि मिड कैप में अगर आप रखेंगे, बाद बाकी आप लार्ज कैप में रखिए, थोड़ा सा अपना स्मॉल कैप या बैलेंस या डेप्थ फंड में एलोकेशन रखिए, ठीक है, लेकिन 25-30% अपना रिस्क के हिसाब से देखिए। रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटीज एक एक पर्सन का एक एक टाइप का होता है, तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी जो आपको बोलता है उस हिसाब से 20-30% एलोकेशन आप आराम से रख सकते हैं। तो देखिए, मिड कैप फंड में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP ही आप कीजिएगा। कब लमसम की करेंगे, जब मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड गिरावट हो, मतलब एक रूल बना लीजिए, अगर टॉप जहां पे हुआ है उसमें से 10% या 20% मार्केट में करेक्शन आता है, तब आप थोड़ा सा लमसम वहां पे डालने का जरूर सोचिए, जरूर, मतलब ये करना ही है, तो ही आप लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट थोड़ा सा कर पाएंगे। हाँ, ये मैं फॉलो करता हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मिड कैप हिस्टोरिकली थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपना लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने का क्षमता इसमें है। क्योंकि देखिए, ये जो इन्फोसिस बोलिए, रिलायंस बोलिए, जितना भी आप स्टॉक्स आज देख रहे हैं दिग्गज, कभी ना कभी इसका भी मार्केट कैप बहुत कम था, ये भी अपना जर्नी स्मॉल कैप मिड कैप से ही चालू किए थे, उसके बाद आज ये बड़े हुए हैं। तो वैसे ही है, आप मिड कैप में जरूर एलोकेशन रखिए, SIP रूट चूज कीजिए, जब मार्केट में ज्यादा करेक्शन आए टॉप से 10% 20%, तब थोड़ा सा लमसम आप वहां पे डालिए, एवरेज आउट कीजिए, ऐसा आप लॉन्ग टर्म गोल रेखे जरूर चलिएगा। और जब आपका गोल का नियर आ गया है, तब आप थोड़ा सा रिडीम करने के लिए भी सोचिएगा या फिर स्विच कीजिएगा डेप्थ फंड में। ऐसा स्ट्रेटेजी लेके चलिएगा, और ये फंड में मैं खुद निवेश कर रहा हूं,
थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं यहां पे, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल में मैं जो खुद करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।